बर्गर बनाने लगी हाँ। आलू टिक्की बर्गर, आलू मैं बॉयल कर ले आ, उहदे विच आपां हरी मिर्च पावांगे, तीन चार मिर्चा पावांगे, चीज़ पावांगे, और मैं पहला हुण टिक्की बनानी है ते फिर बाकी सारा कुछ तैयार करते हैं। आलू मैं हुण छिल ले आ, इन्हां नूं हुण आपां इस तरह मिक्स करते हैं। क्योंकि देसी जे बर्गर बनाना है ज्यादा शंगर मंगर नहीं करने है। आप हरी मिर्च पावांगे, दो आलू रख ले, स्वाद अनुसार और घट ही खाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर पा लेंगे बस। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। इस तरह हल्की हल्की सूजी ला के थोड़ा जा आप चाहो तो बेसन भी ले सकते हैं, तुसी चाहो तो वैसे भी उदा तो आलू कले भी इदा फ्राई हो जाते हैं। हुण आपां आलू लेके इस तरह टिक्की बना लेंगे। इनू आपां ना बेसन लाना ते ना आपां सूजी लानी, इनू इस तरह ही फ्राई करांगे। Thank you.
इन आप तवे से भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं कढ़ाई में मैं फ्राई करना चंगा लगे है क्योंकि कड़े तवे से उस तरह बनी नहीं। आज इस तरह आप होना कुछ नहीं लाया है, ये टिक्की इस तरह बन गई है, दूसरी भी आप इस तरह ही बनाते हैं। आ जड़ियाँ दो टिक्कियाँ ये मैं सूजी ला के बनाइया है, ये भी काफ़ी क्रिस्पी बनिया है, आप बगैर सूजी तो कुछ नहीं ना लाया, सिर्फ आलूआं नूं आपां फ्राई कर लिया टिक्की बना के। ये इस तरह हुण आपां बर्गर तैयार कर दे, थोड़ा जिहा आपां घी ला लेना तवे ते, फिर आप सॉस वगैरह ला लेनी है जी आप तैयार की है। प्याज रखते हैं आप, दूसरा वर्ग बनाने हैं, ये भी आप इस तरह प्याज रखांगे, खीरा रखांगे और टमाटर रखांगे, और ये टिक्की रखांगे। ये मैं चीज नहीं पाया हैगा, इन्हें इस तरह ही बनाया है। ये हम अपना बर्गर बन के तैयार हो गया है, हम आप खाने हैं। अपना बर्गर बन के तैयार हो गया, हम आप बह के खाने हैं।